बहुत खुशी है। 5 राज्यों के इलेक्शन में सबसे ज्यादा अगर कहीं कंपटीशन था, जो शेर शराबा था, पूरे देश के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे तमाम के तमाम बीजेपी के लोग, तमाम मिनिस्टर जाके बंगाल में बैठे हुए थे, उसके बाद भी ममता बनर्जी की जीत पे मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं पूरे देश को। और लेफ्टिस्ट सीपीआईएम करना में जीत के मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि डीएमके वापस वहां जीत कराई है तमिलनाडु में, मगर मुझे गम है, अफसोस जरा थोड़ा सा है कि कैसे लोग हैं आसाम के, पांडिचेरी के, जो लोग पहचाने नहीं आज तक बीजेपी को, जिन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया, जो कोविड में लोग मर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री लोगों को बचाने के बजाय जाकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, देश के अंदर कहीं वैक्सीन नहीं मिल रही है और ये वैक्सीन बाहर दूसरे मुल्कों को भेज रहे हैं। आज ऐसे लोगों को दिल्ली की गद्दी पर बिठा करके मुझे लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मा को आज जो है बेचैन कर रहे हैं वो लोग जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि इन राज्यों जहां जहां बीजेपी चुनकर आई है, और मैं अभी अखिलेश यादव जी से भी कहना चाहता हूं कि आप निकलिए बाहर, मैदान खाली है, कांग्रेस का नेतृत्व बिल्कुल खत्म हो चुका है, देश पुकार रहा है कि हमें कोई अच्छी बड़ी पार्टी चाहिए, शरद पवार साहब, अखिलेश साहब जी, लालू जी और जो लोग भी बीजेपी जैसी सांप्रदायिक पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, इन सबको एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए कि बीजेपी जैसी पार्टी जो इस देश में सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रही है, जाकर कहते थे कि दीदी को जय श्री राम से नफरत है, ये तो एक छोटा सा कार्यकर्ता जो होता है ना, जिसको बेचारा कोई अकल नहीं होती है, वो इसे बातें करता है, हमारा प्रधानमंत्री इस तरह की बात करता है। देश के लोग माफ करना मूर्ख हैं, ऐसे आदमी को लाकर गद्दी उठा दिया जो खुद कहते हैं कि मैं तो चाय बनाता था, उनको अर्थशास्त्र नहीं मालूम, इकोनॉमिक्स नहीं मालूम, और उस गद्दी पर बिठा दिया सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई कराकर, मंदिर मस्जिद का नाम लेकर, धर्म के नाम पर लोगों बांटने वालों को अगर गद्दी पर बिठाया जाएगा तो देश का क्या होगा। मैं फिर एक बार ममता जी को और केरल के सीपीआईएम को और तमिलनाडु के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, मुझे बहुत खुशी इस बात की।